हाय फ्रेंड, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप? फिर से न्यू ब्लॉग में आपका स्वागत है और आशा करते हैं आप अच्छे से ही होंगे। मैं भी बिल्कुल फिट हूँ। आज एकादशी तो शाम को सुबह तो गर्मी इतनी हो रही थी जो मैंने ब्लॉग बिल्कुल नहीं बनाई, ना तो बनाने का मन कर रहा था। फास्ट था तो पूजा की और फिर दोपहर में थोड़ा रेस्ट किया और अब हो गई है शाम। तो मैंने सोचा कि कई दिन से ब्लॉग भी नहीं डाला है तो थोड़ा बनाते हैं ब्लॉग। और व्रत की तैयारी चल रही है, वो क्या है और फास्टिंग में आज सेंधे नमक के आलू, एक टमाटर, हरी मिर्च डालकर बनाएंगे। फ्रेंड, हमारे यहाँ इतनी गर्मी हो रही थी और काफ़ी दिन के बाद आया है मानसून, बहुत तेज़ हो रही है बारिश। आज बारिश काफ़ी तेज़ हो रही है, थोड़ा मन को सुकून मिला क्योंकि इतनी गर्मी थी कि एसी भी फेल हो रहे थे बिल्कुल। नेक्स्ट डे हो गया है फ्रेंड, गुड मॉर्निंग आप सभी को। और काम से हो गई हूँ फ्री, नहा भी ली हूँ फिलहाल में और काम भी हो गया। अब चलूँगी किचन में, कुछ हल्का नाश्ता बनाऊँगी क्योंकि कल था मेरा फास्ट एकादशी का। और हमारे यहाँ रात इतनी बारिश हुई कि लाइट गुम हो गई, पूरी रात लाइट नहीं आई। कम से कम मतलब जब से हम यहाँ रह रहे हैं फ्लैटों में, जब से पहली बार ऐसा हुआ कि पूरी रात लाइट नहीं आई। नहीं, अधिकतर यहाँ फास्ट काम होता है, लाइन मैन तुरंत ही सही कर जाते हैं अगर कहीं फॉल्ट होता है, लेकिन अब की कल तो ऐसा हुआ कि पूरी रात लाइट नहीं रही। फिलहाल हमारे यहाँ तो इन्वर्टर चार्ज था, हम लोगों ने एक पंखा चलाया तो उसी में सारे एडजस्ट हो गए। और मौसम भी ठंडा था तो काफ़ी गर्मी नहीं लगी, लेकिन क्या था कि जब मैं सुबह उठी तो सारे लोग अपनी अपनी बालकनियों में बैठे थे, कोई छत पे था, कोई कहीं था, क्योंकि सबके इन्वर्टर बोल गए थे। आगे मिलती हूँ आपको। तो मैंने आटा छान लिया है, नाश्ते में मैं बना रही हूँ अजवाइन के पराठा और ये डाल रही हूँ अजवाइन, और थोड़ी सी बनाऊँगी चाय। चाय पराठा का नाश्ता किया जाएगा आज, आइए आप लोग भी। तो इधर बन रही है चाय और आटा रखा है, नमक अजवाइन का तैयार, इधर तवा भी तैयार है। अब बनाते हैं फटाफट पराठा। तो मैं तिकोन पराठा बनाती हूँ और पराठा हमेशा मेरे बनाए हुए फूलते हैं, इसमें तारीफ वाली बात नहीं है, क्योंकि पराठा फूला ना हो तो खाने में मज़ा नहीं आता है। तो फ्रेंड, आज फिर से हमारे घर में फिर से बर्थडे है, जून से लगा करके जुलाई अगस्त तक बर्थडे ही बर्थडे होते हैं। और केक आ गया है, अब केक की कटिंग होगी। अभी बर्थडे बॉय अभी कपड़े पहन रहे हैं और देखिए इतना सुंदर केक आया है, नया फ्लेवर हम लोगों ने मंगाया है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। और A few moments later. चलो। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear papa. Happy birthday to you. अरे भाई केक कट चुका है। हम चार केक काट रहे हैं बस, और कोई नहीं। अभी दीदी का भी कटेगा कुछ दिनों में। अब खिलाएंगे तुषार के, थोड़ा सा खिलाओ आराम से। तुम खिलाओ क्या? फ्रेंड, आज मैं चली हूँ मार्केट क्योंकि काफी दिन हो गए थे, आज कल करते करते मुझे कम से कम एक हफ्ता हो गया था। मैंने सोचा घर का सारा सामान खत्म हो गया था तो लेके आती हूँ, और रोज़ आलस आ जाता था, लेट जाते थे खाना खा के, फिर सोचते आज नहीं जाऊँगी, पर आज मैंने मन बना ही लिया है कि आज सामान लाकर ही रहेंगे। तो चलती हूँ मार्केट, अभी सीएनजी डलवानी है, फिर आगे मार्केट से लेते हैं सामान।
से नहीं भरा होगा ज्यादा, वो खड्डे हैं उस रोड पे बहुत, देख लो जैसा भी हो। और साथ में जा रहे हैं तुषार, तुषार के साथ जा रहे हैं मार्केट। देखो ऐसे गियर दिक्कत, सीएनजी पंप पे हम आ गए हैं और गाड़ियों की लगी है लंबी लाइन। यहाँ भी थोड़ा कम से कम 20 मिनट लग जाएगा। मैगी छोटा छोटा पैकेट ले लो, मैगी रहने दो, ले लो बड़ा पैकेट ले लो, एक आटा वाली लो, आटा वाली वो धरी उधर, हाँ पाँच छः डाल लो। भोले बाबा की कांवड़, वो भी ढंग से वीडियो नहीं। ये रास्ते में लोग भोले बाबा की कांवड़ लेके जा रहे हैं, बारिश हो के हरियाली के क्या कहने, कितना अच्छा व्यू आ रहा है। अब हम लोगों ने सामान खरीद लिया है, अब तुषार की फरमाइश है कि विशाल महंगा चलो, तो हम लोग जा रहे हैं विशाल महंगा। और विशाल महंगा का ये रूट इतना सुंदर है, चारों तरफ हरियाली हरियाली है यहाँ पर। क्या हो गया? इधर सेक्टर है, कुत्ता भी अकड़ के खड़ा है रोड पे। और ये आ गई सोसाइटी, पेड़ों में दिख नहीं रही है विशाल महंगा की, इतना अच्छा फोटो आ रहा है तो शायद वीडियो में हरा हरा बहुत सुंदर लग रहा है। तो हम लोग आ गए हैं लेडीज एंड जेंट्स शूज कलेक्शन में, बच्चों की भी काफी वैरायटी है यहाँ। बाहर तो इतनी गर्मी है और यहाँ शॉपिंग करते करते इतनी ठंड लग गई है। इतना ठंडा हो रहा है, अंदर बहुत चिल्ड हो रहा है। टी शर्ट चेंज कर करके देख रहे हैं, हमें नहीं अच्छी लग रही, और ट्राई करते हैं हटा दो वो। ये तुषार ये लो, अच्छा लग रहा है। शाम का टाइम है और फरमाइश हुई है कि लौकी के कोफ्ते बनाओ, तो ये कोफ्ते बन रहे हैं, छुरी से चला रहे। छुरी से एक पकौड़ी हट जाती है, वैसे नहीं होती है, फूटती नहीं है इसीलिए। और तो ये भाई पकौड़ी बन के रेडी हो चुकी है थोड़ी, और बाकी मम्मी बना रही है। पतला ज्यादा हो गया, नमक डाल दिया, जबकि पानी डाला, गाढ़ा कैसे करें, पतला हो गया नमक डाला, जबकि वैसे निकाला था हमने थोड़ा पानी इसका दबा के, लौकी का कच्ची लौकी थी बिल्कुल, बना हुआ रखा इधर, बन रही है पकौड़ी, तो बनाते हैं फटाफट सब्जी, फिर मिलते हैं आपसे आगे।